आप लोगों ने कहा था कि आपको कुक विद मी अच्छी लगती है, तो वही करेंगे हम। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं कढ़ी बना रही हूँ आज, उसकी गैस को ऑन कर देती हूँ क्योंकि फिर मुझे उसको तड़का लगाना है। वाटर ऐड करेंगे। सो जो कढ़ी है ना वो कुक हो चुकी है ऑलरेडी, पर पकौड़े बनाने मुझे। सो मैं क्विकली गई थी ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। मैं लेके आई हूँ ऑरेंज जूस एंड मिल्क। मिल्क हमारे घर में सिर्फ हिम्मत पीता है। अर्ली डेज में हम लोग चाय पी रहे थे, पर अब हमने चाय पीनी भी बंद कर दी है, दूध वाली डेयरी की चाय ही पीते हैं, बट क्रीम डाल के वो टी बैग वाली चाय पीते हैं क्योंकि देसी चाय थोड़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है और पर पेट भर जाता है, तो हल्की फुल्की सी चाय पीते हैं हम लोग। एंड लेके आई हूँ बनाना, सिलान्ट्रो, धनिया। धनिया के बिना मेरी ज़िंदगी बहुत अधूरी होती है। एंड भिंडी। एंड ऑल्सो मैंने ये ट्रांसपेरेंट लेके आई हूँ क्लॉथ डाइनिंग टेबल पर बिछाने के लिए, क्योंकि अर्लियर मैंने वो अदर बिछाया था ना जिसमें फोल्ड थे, और उससे मुझे बहुत घर क्लटर लगना शुरू हो गया था। मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन से हैं ऐसे, और वो भर जाते हैं डस्ट के साथ, इससे वो प्रोटेक्ट हो जाएगा और जैसा मुझे वुड जैसा लुक चाहिए मेरे घर के लिए वो भी ख़राब नहीं होगा। तो ये उसके लिए पनीर लेके आई हूँ, हस्बैंड को पनीर अच्छा लगता है, दही। एंड ये प्यारे मिठे अनियन फॉर कुकिंग। एंड बैटरीज। बैग इज डन। बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी मैंने की नहीं है क्योंकि हम कल कॉस्को जाएंगे। आज हम इसलिए नहीं गए क्योंकि संडे है, एंड संडे को बहुत बिजी होता है, सो हम जाएंगे कल। बट बेसिक मुझे कुछ कुछ चीज़ें चाहिए थी वो मैं लेके आई हूँ। ये है मेपल सिरप, कनेडियन मेड ओरिजिनल बिना शुगर के। हिम्मत तो वो पैनकेक खाता है ना, तो उससे सारा सिरप चाहिए होता है। ब्राउन ब्रेड है। ओके, आज मैं भेलपूरी लेके आई हूँ। एंड एक मैं ना रैप लेके आई हूँ, जैसे कभी ब्रेकफास्ट में और कुछ सैलड वैलड ऐड करके खाने के लिए। ये इटालियन हर्ब्स के साथ है एंड होल व्हीट। वैसे तो हम फ्रेश रोटी परांठा पकाना पसंद करते हैं, बट कई बार यू नो आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं, अगर ये अच्छा होगा तो कंटिन्यू कर सकते हैं फ्यूचर में। एंड हिम्मत को ये सोया स्टिक्स बहुत अच्छी लगती है। एंड एक खट्टा मीठा भुजिया, और अगर कोई दोस्त मित्र आ जाए चाय पे। एंड खूब सारे वाइट चने, क्योंकि हस्बैंड एंड हिम्मत कितने दिन से कह रहे हैं कि उन्हें पूरी छोले खाने हैं, छोले मोक रहे थे, तो वो लेके आई हूँ मैं। एंड आई थिंक दैट्स इट। कड़ी को मैंने ऑन कर दिया, जल्दी से इसको सॉर्ट आउट करते हैं एंड देन पकौड़े बनाने की तैयारी करते हैं। कड़ी को तड़का लगाएंगे, सिर्फ राइस ही बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूंगी मैं। अगर मैं कड़ी ना बना रही होती ना, तो फिर मैंने जल्दी से भिंडी को तड़का लगा देना था, क्योंकि जब मैं भिंडी लेके आती हूँ ना मुझे होता है कि फ्रेश फ्रेश बनाऊंगी। चने वैसे ज़्यादा है, थोड़े इसमें ऐड करेंगे। अपलोड की कि ग्रॉसरी शॉपिंग करके मैं इस डोर से आई, तो कोई मुझे पूछ रहा था कि तुम अंदर से अंदर आ गए। एक्चुअली ये हमारी पैंट्री है ना, जो एक गैराज के साथ कनेक्टेड है। मुझे चने अच्छे लगते हैं जो बहुत मोटे काबुली स्टाइल होते हैं। आई डोंट नो ये वैसे होंगे या नहीं, आई होप हो। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने रख दी हैं, अभी जल्दी से ना इसे भी बिछा के देखते हैं सही है या नहीं।
बिछा दिया मैंने, अब कुकिंग का काम करना है इससे पहले वो बंदे आ जाए भूखे। कड़ी को क्विकली तड़का लगा देते हैं। धनिया सीड्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो ऐड करने वाली हूँ। पकौड़े में बेसिकली मैं सिर्फ पालक एंड आलू ऐड करूँगी क्योंकि मैं अनियन नहीं खाती हूँ। सो मैं अगर अनियन ऐड कर दूँगी फिर मैं पकौड़े नहीं खा पाऊँगी। वो एक्चुअली ये सारा इसमें नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा तड़के में भी ऐड करेंगे। तो ये जो कड़ी है इसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पर है अगर आप देखना चाहें तो। सो आप लोगों ने कहा था कि आपको कुक विद मी अच्छी लगती है तो वही करेंगे हम। सो ये मैं पकौड़े के लिए कर रही हूँ ग्रीन चिली। पकौड़े का मिक्सचर रख देते हैं ना तब तक वो अच्छा हो जाएगा। तो पालक के पकौड़े बनाएंगे ना तो थोड़े से खा भी लेंगे। मुझे ना पालक के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, आपको अच्छे लगते हैं? फॉर सम रीज़न ना पालक का जो अपना एक प्यारा सा फ्लेवर है पकौड़े में इतना मज़ेदार लगता है कि क्या बताऊँ मैं आपको। थोड़ी पालक ऐड कर देते हैं पहले। आई थिंक बर्तन छोटा है, बड़ा बर्तन इसमें करते हैं। सो मैंने बैटर को बना लिया है, अभी ये थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वैसे ऑयल रख दिया मैंने गर्म होने के लिए, एंड जब तक वो होता है हम तड़के का सामान काट लेते हैं। वैसे तड़के में मैं सिर्फ ग्रीन चिली एंड अनियन ऐड करूँगी, हम ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे। यू गाइस आर वेरी वेलकम टू डू तामझाम। एंड इसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे है सिम और कैन कुक पर, अगर आप देखना चाहें तो। बहुत अच्छी कड़ी बनती है। मैं कड़ी की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ पर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं। सो बिकॉज मैं कुक करती हूँ तो मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे अपनी कुकिंग ठीक लगती है। वैसे अगर किसी और की कड़ी खाना पड़े तो मैं नहीं खाती हूँ, नॉट इवन माई मम्स कड़ी। मेरी मम्मी अच्छी कड़ी बनाती है। सो दिस मच अनियन इज गुड एनफ, हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है। आप अगर मुझे लंबे समय से देखते हो, आपको मैंने बहुत बार बताया होगा कि मैं काइंड ऑफ परफेक्शनिस्ट हूँ। हर चीज़ में मुझे परफेक्शन चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि जो भी मैं करूँ परफेक्शनिज्म के साथ करूँ, पर परफेक्शनिस्ट होना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आपको बहुत सारी चीज़ें करने से रोक देता है जो आप नहीं परफेक्शनिस्ट होके कर पाते, अब आप नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जो भी आप करना चाहेंगे वो परफेक्शन के साथ करना चाहेंगे, एंड हर टाइम चीज़ें परफेक्शन के साथ करना पॉसिबल नहीं होता है। सो परफेक्शनिस्ट होना एक किस्म की बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर है, क्योंकि आप चाहते हैं कि हर कुछ परफेक्टली हो। आप जब कुक करें परफेक्टली करें, आप परोसें तो परफेक्टली करें। यस आपको अपना बेस्ट करना चाहिए पर परफेक्ट होना इज नॉट गुड, क्योंकि कभी कोई चीज़ परफेक्ट हो ही नहीं सकती है। आप जितनी मर्जी कोशिश करें आप चीज़ों को एकदम परफेक्टली नहीं कर सकते हैं। इम्परफेक्शन में ही ब्यूटी है, फ्लॉज होने ही प्यारे हैं, क्योंकि वही आपको इंडिविजुअल बनाते हैं, वही आपकी एक अलग से कहानी बताते हैं। सो परफेक्शनिस्ट होना यही नहीं है कि आपको चीज़ों में परफेक्शन चाहिए। आपको हर आप छोटी छोटी
चीज़ें ढूंढ सकते हैं जो नॉर्मल बंदे को नहीं दिखेंगी, परफेक्शनिस्ट्स को दिख जाती हैं कि यार ये सही नहीं है, उसके कपड़े यहाँ से अच्छे नहीं लग रहे, कपड़ों से धागे निकल रहे हैं, बहुत सारी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और इतना ज़्यादा क्लटर हमारे दिमाग में भर जाता है जिस इन्फॉर्मेशन की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड बहुत सारी चीज़ें आप कर नहीं पाते हैं, शुरू नहीं कर पाते बिकॉज आप हर चीज़ को परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं। हर चीज़ परफेक्शन के साथ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों से आप पीछे रह जाते हैं। आप करना चाहते थे पर आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज आप परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं। इसके कितने सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो आप का ज़ोडियक साइन भी रीज़न हो सकता है, वर्गो, कि आपको हर चीज़ परफेक्शन के साथ चाहिए। दूसरा, आपके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको इतना कंपेयर किया कि आपको लगा कि यार आप कभी भी गुड इनफ हो ही नहीं सकते हैं, आप बेसिक करेंगे तो गुड होगा ही नहीं, और आप हमेशा बेस्ट करना चाहते थे, इसी चक्कर में आप परफेक्शनिस्ट बन गए कि जितना मैं वधिया करूँगा उतना ही लोग मुझे पसंद करेंगे। मुझे लगता है कि परफेक्शनिस्ट होना एक काइंड ऑफ पीपल प्लीजिंग चीज़ भी है कि मैं इतनी वधिया तरह करा कि सब लोग कहें कि वाह कमाल कर दिया। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट नाउ वी डोंट वरी। अभी बंदा आपको पेरेंट्स की गलतियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है पेरेंट्स ने आपको कंपेयर किया, पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे कि आपको पेरेंट्स की आगे खड़ा उतरने के लिए प्रिटेंड करना पड़ा, या धीरे धीरे आप उनको खुश करते करते कि दुनिया को भी खुश करना शुरू हो गए, एंड आपको ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ गई कि आपको हर चीज़ परफेक्शन के साथ। अब क्या करना है, अब आपको इसके साथ डील करना है। मेडिटेशन हर चीज़ में हेल्प करती है, किसी भी तरह की मेडिटेट कर सकते हैं आप, क्योंकि जब आप बहुत परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं ना, एंड ऑफ द डे एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, क्योंकि आप कोई अपने आप को इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको लगता है कि आप कभी इनफ है ही नहीं, जो भी आप कर रहे हैं उसमें भी आप नुक्स निकाल देंगे। आप अगर आर्टिस्ट हैं, कोई आर्ट आपने क्रिएट किया, आपको उसमें खूबसूरती नहीं दिखेगी, आपको उसमें नुक्स ही दिखेंगे, क्योंकि आपको परफेक्शन चाहिए। परफेक्शन के चलते आप उसको पूरा भी नहीं करेंगे कि यार बेकार हो गया। बेशक अगर आप पूरा कर देते अपनी आर्ट को, शायद वो बहुत अच्छा होता। चिंता मत करें यार, मेडिटेट करें, मेडिटेशन के साथ आपको हेल्प होगी। थोड़े से पकौड़े डालने वाली हूँ मैं ये कड़ी के लिए, इसको मैं थोड़ा सॉफ्ट बनाना चाहूँगी। पहला तो ये है कि अपने लिए ना रीज़नेबल गोल्स तैयार करें, कि मतलब छोटे छोटे गोल्स एंड जो आप कर सकते हैं। बहुत बड़ी अपने आप से चीज़ों की अपेक्षा मत रखें, एक्सपेक्टेशन मत रखें, एंड अगर आपसे चीज़ें गलत होती हैं उसको एक्सेप्ट करें जैसी भी होंगी। एंड अपने साथ सेल्फ थॉट्स, सेल्फ टॉक करते हैं, सेल्फ अगर आपके थॉट्स हैं उन पर थोड़ा सा जर्नलिंग करें कि आप अपने साथ कैसे बातें करते हैं। आपका अपने साथ अच्छे तरीके से बिहेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे बहुत हार्म होता है। ऑलवेज चेक ऑन इट कि आप अपने साथ बातें कैसे करते हैं, आपके थॉट्स कैसे हैं। रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स तैयार करें, क्योंकि जब आप अचीव कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा, एंड उनको अचीव करने के लिए भी आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होंगे, क्योंकि आपको पता है वो कर सकते हैं। इस तरह आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, क्योंकि परफेक्शनलिज्म एक्चुअली लो सेल्फ एस्टीम का ही एक साइन है कि आप नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, कि आप जो भी करते हैं उन कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं कि यार इससे बेहतर हो सकता था, आई डोंट नो अच्छा है या नहीं। अगर आप ऐसे गोल्स अपने लिए सोचेंगे जो आप आसानी से अचीव कर सकें, थोड़े से चैलेंजिंग हो तो ठीक है, बट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मत अपने लिए गोल तैयार करें। सारे खा गए हैं, मेरे लिए नहीं छटे। अड्डे बेईमान, तुझे तो मुंडा ला गया मेरे नो। पकोड़ा फॉर मी गाइस।
सो कड़ी का तड़का हो गया है एंड थोड़े से पालक के पकौड़े बन गए हैं। राइस मैंने रख लिया है, पूरी आटा रख लिया है। किधर बनी कड़ी? बढ़िया बढ़िया। सो इसी तरह हमारा कड़ी पकौड़ा तैयार है। अच्छा बना था खाना। थैंक यू सो वेरी मच गाइस व्लॉग को देखने के लिए। आपको जल्दी मिलती हूँ नए व्लॉग में। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बार में अपनी कोई टिप ज़रूर से छोड़ना। आई लव यू सो वेरी मच। बाय बाय लालू।